आज दीपावली का सबसे बड़ा कारण है कि जो लोकसभा में हमारा जो नागरिक संशोधन बिल पारित हुआ, आज उसको राज्यसभा में भी जो कमेटी के बारे में जो चर्चा चली, कांग्रेस ने कमेटी का मैं उठाया था कि कमेटी में भेजना चाहिए, उसके विपरीत हमारी जो लोग थे उन्होंने हमारे पक्ष में वोटिंग करके कमेटी में ना भेजने का निर्णय लिया है। और ये बिल जो नागरिकता संशोधन है वो पाक विस्थापितों के लिए है। पाक विस्थापित पाकिस्तान से आने वाले या बांग्लादेशी जो भी भारत के आसपास की कंट्री से जहाँ इंडिया आ रहे हैं उनके लिए जल्द से जल्द नागरिकता मिले और भारत के नागरिक बने और उनको भारत के नागरिक जैसी सुविधा मिले, उस लिए मतलब आज का दिन दिवाली से कम नहीं है। बिल्कुल, हमारे लिए तो दिवाली से भी ज़्यादा खुशियाँ हैं आज, क्योंकि आज जो हम जो कई सालों से यहाँ दुख झेल रहे थे नागरिकता के लिए, बाकी हमें भारत सरकार ने सारी सुविधा दी है, नागरिकता के लिए हमारे लोग कई ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं, कई प्रकार के कागजों की कार्रवाई में उलझने थी, आज हमें लग रहा है कि हमें तुरंत नागरिकता मिलेगी और हम भारत के नागरिक होंगे, ताकि हम लोग भी भारत के और राज्यों में भी जा सकें। बहुत बड़ी खुशी की बात है, इतना तो खुशी हमारे को इलेक्शन में वार्ड नंबर 2 से मैं जीता हूँ तभी भी नहीं हुई जितनी खुशी आज हमारे को हुई है कि हमारे को भी भारत का नागरिक होने का मौका मिला है। तो मतलब पहले क्या होता था नागरिकता के लिए कितनी चक्कर निकालने पड़ते? पहले तो बहुत कठिनाई से परिश्रम करना पड़ता था, कई चक्कर काटने पड़ते, किसी की 15 साल में नागरिकता मिलती थी, किसी को 11 साल में मिलती थी। नागरिकता नहीं होती तो किस तरीके की दिक्कत आती है? बहुत दिक्कतें है, जैसे कोई कहीं बाहर कहीं चले जाए कंट्री में मतलब, तो कहीं रहना करना हो तो कुछ वोटर गाइड आईडी वगैरह मांगते थे, तो नागरिक नहीं होते तो फिर वो हमारे पास सुविधा नहीं होती थी। आज जो खुशी हुई है वो हमने इतनी दिवालियाँ मनाई यहाँ के 50 साल तक उसमें भी नहीं हुई, जो आज हमें कुछ ये संशोधन जो पास हुआ है बिल, उससे हमें नागर पाकिस्तान से आए हुए उनकी नागरिकता नागरिक बनेंगे, हिंदुत्व बनेंगे यहाँ के नागरिक, हिंदुस्तान के नागरिक। किस तरीके से अत्याचार होता है वहाँ? तो बहुत ही अत्याचार है मुसलमानों का, उससे तंग होके लोग वहाँ से भाग के इधर आए, तो यहाँ तो कई साल लगाएगा नागरिकता बनने के लिए, और अभी जो बेचारे पाक वाले आए हैं उनको जल्द से जल्द नागरिकता मिले और वो भी नागरिक बने। बहुत अच्छा काम किया हमारे मोदी साहब ने जो किया है, वो अच्छा काम किया, गर्व से बढ़कर और कुछ नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में और पड़ोस मुल्क पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं सन्नाती जीते रहते हैं उनमें सेलिब्रिटी है। आज लोकसभा के अंदर जो कल पारित हुआ था, राज्यसभा के अंदर जो कांग्रेस ने नीति अपनाई थी वो उनकी चालें सफल नहीं हो पाई और राज्यसभा में कल बेशक पास होगा बिल, और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह हमेशा गरीबों के साथ है। इस बिल से जो शरणार्थी वर्ग था जो काफ़ी सालों से यहाँ भारत में आए हुए थे, उनको अपना एक नागरिकता जो हक होता है वो उन्हें मिल नहीं पा रहा था, उसके वजह से इनको कई काफ़ी दिक्कतें होती थी, वो इस बिल के माध्यम से उनको 6 साल के अंदर नागरिकता बिल मिलेगा। इसके बिल के बाद ये जो घुसपैठिए जो बाद में जो शरणार्थ रह रहे थे उन पर भी लगाम कसी जाएगी, उनके भी मालूम पड़ जाएगा वो भारत है या नहीं है।